तो हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम मेरे भाइयों। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करना बताएंगे, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप एक ही बार में सीख जाओगे, बिल्कुल कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस वीडियो आपको लास्ट तक देखना, हमारी बात एक बार भैया सुन लो। अगर आपने एक बार वीडियो पूरा देख लिया ना, हम इसकी नस नस में बता देंगे आपकी कहाँ से कहाँ कैसा होता है, सब बताएंगे डिटेल में। बिल्कुल आप यहाँ पर टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? तो बात सीधी सीधी सुन लो। परिमेय अपरिमेय को गुणा करने का नियम क्या होता है? परिमेय का परिमेय में गुणा होगा, अपरिमेय का अपरिमेय में होगा। जो कुछ है, जैसे तुम हो, तुम अपने घर जैसा का दूसरे के घर में घुसो, जैसे अपरिमेय तो अपने अपरिमेय लो जाए, परिमेय तो परिमेय लो जाए, लेकिन तब दूसरे घर चले भी जाओ धोखे धड़ी से, तो भैया उनके घर है ना जे बैठो ना अंदर, तो दूरी में बैठे रहो, वो अंदर रहे तुम दूरी में बैठे हो, मतलब आप अंदर से नहीं पहुंच आगा, तो भैया जो तो कौन ये भगा है तो ना, लेकिन दूरी में बैठे रहो, सही को मतलब जो कि गुणा के रूप में लिखे रहे हो, ना तुम उनके अंदर जा सका, ठीक है, ना भी तुम्हारे अंदर तुम्हें बुला सका। जब जान नहीं पहचान नहीं है तो कैसे बुला, वो कैसे वो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे जी आपके कुआ रूट लगे तो सबका है अपरिमेय, अगर अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पता तो पहले अपरिमेय संख्या के बारे में जानने की कोशिश जरूर करें, वीडियो डाले तो अपरिमेय संख्या देख ले कैसे क्या होती है, परिमेय क्या होती है। तो जे आपकी अपरिमेय, जे आपकी परिमेय, जे अपरिमेय, ठीक है? जब अपन इसका गुणा करेंगे, जे परिमेय है गुणा, भाई इसमें एक और दो पद है तो दोनों में तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जी कोष्टक लगा है ना, कोष्टक मतलब दीवार लगी तो जी भैया खुलेगा तो दो जन लो जाएगा ना जी, तो दो जन के लाने गुणा के रूप में लिखा है, दो जन के लाने छह का लगो, तो यहाँ से जी खुलेंगे तो भैया इन लो भी आएंगे और इन लो भी जाएंगे, ठीक है ना, एकदम से घलेगा ना तो दोनों में जाएगा, गुणा दोनों में होगा। तो पहली भैया इसका गुणा इसमें क्या, तो जे भैया परमे हो जी अपरमे, हमने क्या कहा था अभी ना, चिन्हत ना हुई है तो भैया दो में बैठ जाएगी, लेकिन अंदर भी बुला नहीं सका था, तब उनके अंदर जा सका था, तब खुद नहीं जा सके, जब तुम चीन हो जो जमाई जे उनके भीतर, तो देखो ऐसे ही है, तो चीन थे जी इन्हें पहुंच गया था वहां, सुजी गुणा के रूप में खट्टे दोरे में बैठ गए, सुजी नौ रूट के तीन इनके दोरे में जी बैठ गए, ले अब खत्म करा था, ठीक है जी, बैठ चुके हैं दोरे में। फिर आपका इसका गुणा इसमें भी करना है, इस वाली संख्या में, फिर परिमेय का परिमेय में गुणा करना है, तो परिमेय तो गुणा कर सके, तो प्लस था तो प्लस, 9 5 45 जी आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये इतना अच्छा उदाहरण दिया आपको, समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो आया होगा ना कि नहीं आ रहा। अब जिया क्या है आपकी अपरिमेय, जिया क्या है अपरिमेय, बस सॉरी जी आपकी परिमेय और जी आपकी अपरिमेय, तो दो पद इसमें ऐसा ही इसका गुणा करेंगे, दोनों में होगा वो, तो चाहे जहां तक हो चाहे जैसे हो, दो जन जितने पद हैं दस उतने में गुणा होगा, ठीक है? तो ये इसका गुणा इसमें होंगे तो रूट का रूट में अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि जी तो अपरिमेय में गुणा होगा, तीन त्रिका 9 जाएगा, ठीक है, ये तो अलग अलग है ना, तो जे सबसे यहाँ में बैठ जाएंगे और रूट के तीन आगे लिख जाएंगे, दो में बैठ जाएंगे परिमेय, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसका रूट 9 है, रूट 9 का वर्गमूल निकालना, जिसका वर्गमूल निकल आया उसको निकाल लेना बाहर है, ठीक है, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, कैसे निकाला, रूट 9 है तो रूट 9 के गुणनखंड करो, उसको कितना था 3 × 3 के रूप, अगर अंदर जोड़ा बना तो 12 निकल, या बोल नौ, या बोल सकते 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो देखो 3 कौन मिल रहा था, 3 को क्या निकलेगा 3, 12 से 3 एक तीन बारह निकल गया, तीन ही बारह निकल गया, जोड़ा के रूप में बारह निकल गया, रूट से जितने भी जोड़ा बने रूट के अंदर से 12, 3 को जोड़ा बने तो 12 यहाँ पर पूरा, अब बचो ही नहीं कछु अंदर, ठीक है, 8 रूट के 3 सूची आपका लिखा रहेगा, चेंज करता है यहाँ सा, यहाँ सा आपका जी कैसे करने है, तो ठीक है, अब इसमें तो आपके दो दो पद आ गए, दोनों में दो दो पद है, वैसे जैसे जी किया सिंगल सिंगल वैसे जी कर लेने, ठीक है, तो कैसे करें, अगर आपको कोई कठिन लगे तो सिंगल सिंगल भी बना लेंगे, देखो अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो इस पूरे पद को इकट्ठा ले लो, इसमें गुणा करो, ठीक, कैसा, √3 + 4 गुणा लगा दो, कितने का √3 का, इस बार ऐसे अलग अलग जैसे कि किया था हमने, अलग अलग ऐसा कर लेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना जाए, फिर इसका गुणा इसमें तो कर ही लिया, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो -4 है, तो देख लेते हैं गुणा लगा दो कितने का √3
प्लस के चार, ठीक है, ऐसा गुणा कर देना भाई। ये कोई टेंशन नहीं लेना अपना, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई सी गुणा कर लो कैसे भी। अब आपको एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है, वैसे इसको लुका लेना कुछ देर के लाना, जैसे आप इसको छिपा लो भी, तो देखो जी बस बचा, मतलब इतने हिस्सा अपन ऐसे गुणा कर, वो अपन सीख लाए ऐसे करेंगे। जी अपर में है, जी अपर में इनका गुणा होगा रूट के नौ, कितना जाएगा रूट का नौ, तीन का नौ, जी चीन जाएंगे तो जी हमारा लिखे रहे चार रूट के तीन, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब चार का माइनस का चार का अंदर गुणा होगा, तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, तो माइनस सही आ रहा है, चीन जान रखे हैं जी उसे, तो आगे लिख रहे हैं चार रूट के तीन, और जे तो माइनस प्लस के तो माइनस चार चौके कितना जाएगा सोलह, कितना जाएगा माइनस तय प्लस है, तो माइनस आएगा चार चौके सोलह माइनस के, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ रूट नौ का वर्गमूल कितना निकाला, तो अपने इसी प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ कितना जाएगा तीन, चार रूट के तीन माइनस के चार रूट के तीन माइनस सोलह। अब जो बताओ, अब घटाने का भी एक नियम होता है, अगर दोनों में रूट एक से लगे हैं, देखो रूट के पीछे चार क्या एक ही संख्या है ना रूट की, तो ये घट जाएंगे, क्या घटेंगे गुणांक। अगर ऐसा समझ में ना आया तो भैया ऐसा भी ले लो, क्या रूट कॉमन ले लो, रूट ही में मेरा, रूट ही में मेरा, तो रूट बारह निकाल लो, क्या बचेगा चार माइनस के चार और माइनस के सोलह, जी अंदर जाएंगे तेंगे लिखे आपके, तो देखो और जी आपके सोलह में से तीन घटेंगे ना जी वाले नौ प्लस, जी प्लस का माइनस घटेगा सोलह में से तीन घटेगा, तो माइनस का तेरह और यहाँ पर घटेगा चार में से चार जाएगा तो जीरो, क्या बचेगा जीरो, यहाँ प्लस के रूट के तीन गुणे क्या जाएगा जीरो, जीरो गुणा रूट में कर लीजिए तो क्या बन जाए जीरो, और जीरो में तेरह में जोड़ लीजिए कुछ नहीं माइनस एक तेरह रहे, जी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमने शॉर्ट शॉर्ट तरीके से बताया, बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताया आपको, अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया तो कमेंट जरूर बताना भाई, ये करके जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें, चाहे हमें इतने अच्छे तरीका से आपको समझाया है तो आया कमेंट जरूर बनता है यार, एक कमेंट जरूर कर दो और तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी की।